योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक साल पूरा हो गया है और इस खास मौके पर लखनऊ का रुख करते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं। आज से ठीक एक वर्ष पूर्व 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवर्तन, विकास और प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा और उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत प्रदेश के अंदर देकर के एक नई आशा के साथ, नई आकांक्षाओं के साथ प्रदेश के अंदर संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं की मदद से सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। पिछले एक वर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर क्या कुछ किया है, यहां पर प्रस्तुत डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से और आदरणीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से एक साल नई मिसाल की इस पुस्तिका के विमोचन के माध्यम से जो भी सभी को प्राप्त होगी उसकी एक लघु झलक दिखाने का प्रयास किया गया है। यद्यपि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों का मूल्यांकन के लिए एक वर्ष पर्याप्त नहीं और वह भी उत्तर प्रदेश जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य में जहां पर एक वर्ष पहले व्याप्त जंगल राज रहा हो, गुंडा राज रहा हो, भ्रष्टाचार चरम पर रहा हो, अराजकता चरम पर रही हो, विकास की योजनाएं ठप पड़ी रही हो, उस प्रदेश के लिए यह एक चुनौती से कम नहीं। लेकिन बावजूद हमारी सरकार ने एक टीम स्प्रिट की भाव के साथ प्रदेश के अंदर जो कुछ किया वह प्रदेश की जनता के सामने है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार को प्रदेश के अंदर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म सदी वर्ष पर प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने एक वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए उसके लिए हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2017 के पूर्व हम सब के सामने एक लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था और ये लोक कल्याण संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश की आम जन की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके बल पर आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार विकास की उन योजनाओं को, गरीब कल्याण योजनाओं को और शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस बात के लिए बदनाम थी।
परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाली विभाजनकारी राजनीति के कारण। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने आने के बाद उत्तर प्रदेश के इस विभाजनकारी राजनीति से उत्तर प्रदेश को मुक्त करते हुए पहली बार प्रदेश के अंदर प्रदेश का किसान, प्रदेश का नौजवान, गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी शासन की एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह सब देखने को मिला। और उसके अनुरूप हम लोगों ने जब कार्य प्रारंभ किया, हम सबके सामने चुनौती थी। जब 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार ने पदभार ग्रहण किया, प्रदेश का खजाना खाली था। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के सामने वेतन एक चुनौती थी। प्रदेश में 1,21,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढा युक्त थी। प्रदेश में विद्युत वितरण की व्यवस्था में VIP कल्चर लागू थी। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और गुंडा राज की स्थिति थी। प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में निवेश करने की बात तो एक सपना थी। उत्तर प्रदेश का जो उद्योगपति था, व्यापारी था, वह पलायन कर रहा था। प्रदेश में भय और दहशत का माहौल था। भर्तियों में न्यायालय की रोक लगी थी। नौजवान भटक रहा था। और उन स्थितियों में जब हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, तो पहली कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय को दुगना करने के उस संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, वर्षों से जो किसान प्रदेश का बदहाल था, हम जानते थे प्रदेश के अंदर वह स्थिति नहीं, लेकिन उस सब के बावजूद प्रदेश के अंदर किसान को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 86,00,000 किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का 31 मार्च 2016 तक के 1,00,000 तक की सीमा के कर्ज को माफ करने का निर्णय लिया। धनराशि अधिक थी, उत्तर प्रदेश जैसे बदहाल राज्य के लिए एक चुनौती थी। वित्तीय संस्थाएं हम सबको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं थी। लोग ये मानते थे कि ये पैसा हम जनता पर अतिरिक्त कर्ज लगा करके, अतिरिक्त टैक्स लगा करके इस कर्ज को माफ करेंगे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने अपने सभी सहयोगियों की मदद से फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर, अनावश्यक योजनाओं को रोक कर, प्रदेश के अंदर जनता पर अतिरिक्त बोझ दे बगैर प्रदेश के किसानों की, लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को माफ करने का कार्य किया। और प्रदेश के अंदर पहली सरकार है जिसने सफलतापूर्वक किसान फसल ऋण मोचन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरे अपने प्रदेश के अंदर लागू किया। प्रदेश के अंदर एक सपना था कि किसानों को समर्थन मूल्य के बराबर दाम भी मिले, एक सपना था। गन्ना किसान बदहाल था। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार की डॉक्यूमेंट्री में कि हम लोगों ने अब तक 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों का जो बकाया था उसका भुगतान अब तक हम लोग करवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस प्रकार की स्थिति पिछले 15 वर्षों में हुई कि किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिले। 37,00,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करना, लगभग 45,00,000 मीट्रिक टन धान का क्रय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों से करना और 24 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा जाना, एक बड़ी राशि।
और अगर मैं कह सकता हूं कि फसल ऋण मोचन से लेकर के धान क्रय और गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान तक की पूरी राशि को जोड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे देश के अंदर पहली सरकार है जिसने 80,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के दौरान आप इस बात को देखते रहे होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी एक बात को कहते थे, लगातार लोक सेवा आयोग की भर्ती हो या अधीनस्थ जन सेवा आयोग की भर्तियां, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की भर्ती रही हो या फिर प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्ती, सुप्रीम कोर्ट तक को रोक लगानी पड़ी थी प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्ती पर, क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण थी, भेदभावपूर्ण थी, व्यापक भ्रष्टाचार था। और चुनाव के दौरान इसी बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने एक बात कही थी, इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो समूह ग और घ के जितने भी पद होंगे इन सब में भ्रष्टाचार की जन्य इंटरव्यू की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। हमारी सरकार ने निर्णय लेते हुए प्रदेश के अंदर समूह ग और घ के सभी पदों पर होने वाली नियुक्ति में